हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, कुकिंग टाइम विद कविता में आपका स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ गया है, तो आ गया है मौसम बहुत सारे वेजिटेबल्स का, गाजर के हलवे का और अचार और पापड़ का। जी हाँ, इस सीज़न में बहुत सारी सब्जियां आती है, बहुत सारी मिर्ची वगैरह आती है, टमाटर आते हैं, नींबू आते हैं, जिससे बहुत सारे तरह के अचार बनाए जाते हैं। आज हम यहाँ बनाएंगे हरी मिर्ची का अचार, जो होगा बिना तेल वाला, जो राजस्थान का बहुत फेमस अचार है। मारवाड़ी लोग इसे बहुत खाते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो हरी मिर्ची का अचार हम यहाँ पे तीन अलग वेराइटी की मिर्चियों के साथ बनाएंगे। ये है बड़ी बड़ी मोटी मिर्ची, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया था, उसे अच्छे से पोंछ लिया था, उसका पानी पूरा साफ कर लिया था और उसमें इस तरह से एक स्लिट लगा दिया है। तो इसी तरह सारी मिर्चियों को हम रेडी कर लेंगे। और इसी तरह मैंने बारीक वाली मिर्ची ली है और इसे भी इसी तरह धो के, सुखा के और अच्छे से स्लिट लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो मिर्ची होती है, एक्चुअली ट्रेडिशनली ये पूरा का पूरा मिर्ची के साथ ही पिकल बनता है। ये होता है राई वाला पिकल, बिना तेल वाला पिकल। लेकिन हमें आजकल सर्व करने में इतने बड़े बड़े देना अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके तीन पीसेस में कट कर लेंगे। लेकिन जो कि ये घर में खाना है, कोई गेस्ट वगैरह आए तो ये ऐसी वाली कट करी हुई सुंदर दिखने वाली हम देंगे, लेकिन हमें खाने के लिए तो ट्रेडिशनल तरीका जो हम बचपन से खाते आए हैं वही अच्छा लगता है, इसीलिए इसे हम ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ देंगे। और तीसरी वेराइटी, ये क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसके बनने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन क्योंकि ये बन रहा है घर में, इसकी खुशबू फैलती है तो ऑटोमेटिकली सबको खाने का मन करता है। तो ये है इंस्टेंट इसका तरीका। इसे हम मिर्ची का टक्कू भी कहते हैं, मिर्ची का कुट्टा भी कहते हैं, क्योंकि ये कुट के बनाई होती है। अभी तो मैंने नहीं कुटा है, अभी तो मैंने मिक्सी में ही बनाया है, पर ट्रेडिशनली इसे कुटते थे। और बस इस तरह से मैंने ये वाली मिर्चियों को, एक 5 से 6 मिर्चियों को ले लिया और उसे मिक्सी में पीस लिया। इसमें अभी फिलहाल हमने कुछ नहीं डाला है, सिर्फ ये पिसा हुआ हिस्सा है। तो अब हम देखते हैं इसका जो मसाला है उसे कैसे बनाते हैं। तो राई वाली मिर्ची बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहले हम वो देख लेते हैं। हमें चाहिए राई, इस तरह की मोटी राई। आप चाहे तो पीली राई से भी इसे बना सकते हैं, बट ब्लैक राई से ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और हमें चाहिए एकदम 1/2 टीस्पून जितना मेथी दाना, और 1/2 ही टीस्पून हम लेंगे सौंफ, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम हम लेंगे हींग, और हमें चाहिए टेस्ट के हिसाब से नमक। एक पॉइंट यहाँ नोट करने की बात है, हमें जो नमक है वो जब हम मसाला, बेसिक मसाला बनाएंगे उसमें हमें नमक ज़्यादा डालना है। इनफैक्ट जब आप मसाला टेस्ट करके देखें तो आपको नमक बहुत तीखा लगना चाहिए, इतना नमक इसमें होना चाहिए, क्योंकि मिर्ची का जो तीखापन है उसे सबटैच करने के लिए, उसे कम करने के लिए हमें जो है नमक ज़्यादा डालना पड़ेगा इसीलिए। और ये जो राई होती है ये कड़वी होती है बेसिकली, तो इसका भी कड़वापन हम नमक और नींबू से कम करेंगे। अभी हम नींबू नहीं डालेंगे, नींबू डालने का अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हमें इन चीज़ों का मसाला रेडी करना है। इस तरह से हम एक पैन ले लेंगे, पैन को हल्का गर्म होने देंगे और हमें अब राई को ड्राई रोस्ट करना है। हम राई को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो सौंफ भी इसमें बैड मिक्स कर ले सकते हैं, सौंफ भी इसी के साथ आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए, लेकिन दाना मेथी जो है वो हम इसके साथ ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, हम इसे अलग से करेंगे। ड्राई रोस्ट कब तक करना है, हमें हल्का ड्राई रोस्ट करना है और तब तक करेंगे हम जब तक कि इसमें चिड़चिड़ आवाज़ ना आने लगे। अभी कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही ये रोस्ट होने लगेगी इसमें से क्रैकल की आवाज़ आने लगेगी, तो तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। अभी 1 मिनट लगता है और देखिए ऑलरेडी क्रैकर की थोड़ी सी आवाज़ आने लगी है। तो ये आवाज़ थोड़ी गहरी हो जाए, थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तब तक हम इसे करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ तवे के थोड़ी थोड़ी राई सी क्रैकल हो रही है। एक बार जब सारी क्रैकल होने लग जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे। आवाज़ ज़्यादा आने लगी है और इसकी जो महक है वो भी आ रही है,
तो अब हम इस पॉइंट पे इसे बंद कर देंगे। उसी तरह अब हम इस दाना मेथी को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। दाना मेथी मैंने उसके अंदर क्यों नहीं डाला, इसका एक रीज़न है कि देखिए राई भी कड़वी होती है और दाना मेथी भी कड़वी होती है, और दाना मेथी अगर ज़्यादा सिक जाए तो वो और ज़्यादा कड़वी लगती है, इसीलिए हम मैंने इसे अलग से सेका है ताकि इसका बस हल्का सा कलर थोड़ा डार्क होते ही हम इसे बंद कर देंगे। बस हमें इतना गर्म करना है इसे ताकि ये पिसने में आसानी रहे थोड़ी, बस इतना ही हम इसे गर्म करेंगे। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब ये राई और ये दाना मेथी दोनों हमने अलग अलग रोस्ट करके रख दी है और इसे अब हम ठंडा होने देंगे। अभी मैं हाथ लगा रही हूँ, ये काफ़ी गर्म है, हम इसे ठंडा होने देंगे। ये अच्छे से जब ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सी में पीस के इसका एक पाउडर बना लेंगे। देखिए ये मसाला मैंने पीस के रेडी कर लिया है। ये एक बाउल राई थी अपनी, तो एक बाउल अच्छे से हीप्ड मसाला बना है और थोड़ा यहाँ मिक्सी में भी थोड़ा है, बट अब हम क्वांटिटी के हिसाब से इसमें मसाला मिलाएंगे। एक्चुअली जो सौंफ मैंने डाली है उससे इस मसाले की जो राई का जो एक बेड़ापन की खुशबू होती है वो नहीं आ रही है, इनफैक्ट सौंफ की अच्छी खुशबू आ रही है, इसीलिए हम इसमें सौंफ डालते हैं। और दाना मेथी थोड़ा इसका क्रंचीनेस और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला जाता है और कुछ प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है ये। तो ये वाली जो मोटी वाली मिर्ची थी ये मैंने ली थी 250 grams, ये वाली मिर्ची मैंने ली है 100 grams। उस हिसाब से कोई हिसाब नहीं है, एक्चुअली हमें बस इन मिर्चियों में मसाला भरना है और थोड़ा थोड़ा ऊपर कोट करना है। फिर भी आप अंदाजे से अगर मसाला बैच बनाना चाह रहे हैं तो हमने जो एक कप राई ली थी बस वही एक कप मेजरमेंट वाला राई लेना है हमें, और उसमें एक टीस्पून सौंफ और एक टीस्पून हमने दाना मेथी ली थी, और इसमें हम मिला देंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और ये है 1/4 teaspoon हींग। और जैसा मैंने पहले बताया था हमें इसमें नमक ज़्यादा डालना है, तो पहले तो हम इस क्वांटिटी के हिसाब से, यूजुअली हमें टेस्ट के लिए नमक चाहिए तो हम शायद इतना ही डालेंगे, लेकिन क्योंकि हमें इसमें नमक तीखा चाहिए और जो हमारी मिर्चियां हैं उनका हमें फ्लेवर कम करना है तो हमें नमक डबल डालना पड़ेगा। तो जितना मैंने पहले डाला उतना ही और डाल दूँगी और इस मसाले को हम एक बार अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये है बिना तेल वाला अचार, जो वेट वॉचर्स है जिनको मतलब ऑयली अचार खाने अच्छा नहीं लगता है वो ये अचार बिल्कुल खा सकते हैं, और ये सच मानिए बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये वाली मिर्चियों को आप स्टोर करके साल भर भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए ये प्रॉपर हमारा मिक्स बन के रेडी हो चुका है। अब आती है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमारा मसाला सही बैठा है कि नहीं ये इसको हमें पता करने के लिए, जैसे मैंने बताया था कि ये हम पेस्ट करके देखेंगे, तो थोड़ा सा मसाला हम इस तरह से हथेली में लेंगे और हम इसे टेस्ट करेंगे। काफ़ी सॉल्टी है इसमें, ना तो मुझे राई का कड़वापन आ रहा है और ना ही दाना मेथी का, मुझे बस मुंह में सॉल्ट सॉल्ट आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए ये मसाला। तो चलिए अब हम मिर्चियों को प्रिपेयर कर लेते हैं। मिर्चियों को प्रिपेयर करने के लिए हमें इस तरह से उसके कट को खोलना पड़ेगा और ये जो मसाला है ये इसमें हम स्टफ करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मैंने मिर्चियों के डंडल नहीं निकाले हैं क्योंकि ये डंडल दो काम करते हैं, एक तो जब नमक और नींबू इसमें पड़ जाता है तब ये ऑटोमेटिकली मैरिनेट हो जाते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, दूसरा ये मिर्चियों को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, तो इसीलिए हम इसमें डंडल एज इट इज छोड़ देते हैं। बट अगर आपके कुछ एकाधे डंडल खराब हो या आपकी मिर्ची एक दो दिन पुरानी हो तो आप डंडलों को या तो कट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, बट जितना हो सके मिर्ची एकदम फ्रेश लीजिए जिसके डंडल एकदम ग्रीन हो, और इस तरह से आप उसमें अचार बनाइए तो आपका अचार टिकेगा भी और बहुत टेस्टी भी बनेगा। तो इस तरह से मैं सारी मिर्चियों को प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी मिर्चियों को मिर्चियों में मसाला भर दिया है, और ये जो बचा हुआ मसाला है इसे हम एक बार थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल कर देंगे।
जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये वाली ट्रेडिशनली ऐसे ही बनती थी ये मिर्ची, लेकिन गेस्ट आते हैं उन्हें सर्व करने के लिए अच्छी नहीं लगती है, तो हम क्या करेंगे इसके 3 पीसेस कट कर लेंगे और फिर जार में भर लेंगे, और ये वाली मिर्ची को हम एज इट इज भर लेंगे। ओके, मिर्ची का अचार या कोई भी अचार स्टोर करने के लिए हमें हमेशा इस तरह का एक कांच का जार ही लेना चाहिए। कांच का जार जिसे हमने अच्छे से गर्म पानी से धो के स्टरलाइज किया हुआ है और उसे अच्छे से सुखा लिया है। हमेशा कोई भी अचार हम कांच के बर्तन में ही स्टोर करें, सेव करें, तो अचार की लाइफ अच्छी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मिर्ची का अचार हम साल भर के लिए स्टोर करने वाले हैं, तो इसीलिए इसे कांच के बर्तन में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से इन मिर्चियों को मैं इस जार में भर लूँगी, और क्योंकि थोड़ा मसाला और बच गया है तो मैं थोड़ी मिर्चियाँ और रेडी कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 10-12 मिर्ची और लग जाएंगी, बस ये सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से हम मिर्चियों को जार में डाल देंगे, और जैसे मैंने बताया था कि प्लेट में जो मसाला है हम वो भी इसमें डाल देंगे। सूखा मसाला है, थोड़ा सा और मसाला हम इसमें डालेंगे ताकि इसनेशन के प्रोसेस में ये सारा जो मसाला जो नमक है वो इसे हेल्प करे। तो देखिए हम इस तरह से ये मिर्चियों को भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी, इस तरह से 3 पीसेस कर लूँगी, और इसी तरह कट करने के बाद इसे भी एक कांच के जार में स्टोर करके रख लूँगी। लेकिन याद रखिए हमें इसके ऊपर भी थोड़ा सा मसाला इस तरह से अच्छे से स्प्रिंकल करके फिर ही इसे जार में रखना है। और जैसे मैंने बताया था कि अब हमें इसे लास्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है नींबू। नींबू अब हम इसमें नहीं डालेंगे। जैसे आज हमने ये बनाया है, तो आज क्या है डेट, आज है 10th December, तो 12th December को हम इस जार में अच्छे से एक बार, 2 दिन तक हमें इसे अच्छे से हिलाते रहना है ढक्कन बंद से ही, और 2 दिन बाद में यानी कि 12th December को हम इसमें नींबू डालेंगे। फिर हम इसे एक बार और अच्छे से मिला के रख देंगे, तो और 2 दिन बाद यानी 14th December को हमारा अचार एकदम बन के रेडी हो जाएगा। इसमें भी हमें वही प्रोसेस करना है, क्योंकि ये भी खड़ी मिर्ची है एज इट इज़। इसका जो नमक है वो 2 दिन तक रिएक्ट करेगा, नमक का पानी बनेगा और मिर्ची को वो सोख लेगा। फिर हम जब इसमें नींबू डालेंगे तो वो और भी इसमें मिक्स होके अचार को परमानेंटली मैरिनेट करेगा। और अब आती है इंस्टेंट अचार की बारी। ये जैसे मैंने बताया कि इसकी खुशबू बहुत घर में फैलती है, तो ऑटोमेटिकली ये अचार खाने का सबका मन करता है। तो ये जो अचार है मैंने मिर्ची वगैरह सब भरने के पहले ही इसमें डाला था मसाला, तो ये देखिए ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं पानी छूटने लगा है, जो नमक वाला पानी था नमक उस अपना पानी छोड़ने लगा है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस डालना है आपने इसमें कि वो थोड़ा सा फ्लोट होने लगे। ये देखिए मैंने 3 चम्मच डाले हैं, ये हल्का सा जूसी जूसी हो गया है, तो 1 चम्मच और डाल देंगे हम, और बस 2 घंटे बाद ये अचार आज ही खाने के लिए रेडी हो जाएगा। हमें मिर्चियों को नमक में जार में डाले हुए 2 दिन हो चुके हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम 2 दिन बाद इसमें नींबू डालेंगे, तो 2 दिन तक मैंने इसको 2-3 बार ऐसे ऐसे हिला लिया था जिससे कि नमक वाला जो पानी नीचे आ गया था वो अच्छे से सारी मिर्चियों को कवर कर रहे ताकि सारी मिर्चियाँ गलने लग जाए। आपको खोल के बताती हूँ, देखिए मिर्चियाँ हमारी गलने लगी थी। अब हम इसमें डालेंगे नींबू। मैंने यहाँ 3 बड़े नींबू का रस लिया है, और क्योंकि ये वाली मिर्चियाँ ज़्यादा थी हम इसमें 2 नींबू का रस डालेंगे, और इस वाले जार में हम 1 नींबू का रस डालेंगे। इतना रस काफ़ी है, इतनी खटाई काफ़ी है हमारी मिर्चियों को अच्छे से गलाने के लिए और इनका परफेक्ट अचार बनाने के लिए। बस अगर आपको ताज़ी ताज़ी आखिरी आखिरी मिर्ची खाना अच्छा लगता है तो आप आज से ही इसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एक दिन रुक के डे आफ्टर टुमारो से इसे खा सकते हैं। तो बस हमें वापस से जार इस तरह से बंद करना है।
नींबू और नमक इसे साल भर प्रिजर्व करने में मदद करता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हम नमक की क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको डर है कि भाई अचार टिकेगा नहीं, तो आप इसी पॉइंट पे छोटा चम्मच विनेगर इसमें डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे भरोसा है ये अच्छे से टिक जाएगा। बस देखिए इस तरह से हिला लीजिए, सारा नींबू और नमक का जो पानी है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो बस आपका अचार रेडी है खाने के लिए। आप आराम से इसे एंजॉय कीजिए, सर्दियों के मौसम में तीखा तीखा अचार मिर्ची का रेडी है।